प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जून मंथ में बिकने वाले टॉप 10 कार ब्रांड्स को। टॉप 10 कार ब्रांड से मेरा मतलब है जून मंथ में किस ब्रांड ने टोटल कितनी गाड़ियां बेची हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखो ना यार, क्या कर रहे हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जून मंथ में बिकने वाले टॉप 10 कार्स की और साथ ही उनकी सेल्स को भी जानेंगे किस कार की कितनी यूनिट बिकी है। उससे पहले यार, जिस भी फ्रेंड ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए देखते हैं नंबर 10 पर कौन सी गाड़ी आई है। नंबर 10 पर हुंडई की तरफ से आने वाली ग्रैंड आइटन नियोस आई है, जिसकी की जून मंथ में 8,887 यूनिट बिकी है। ग्रैंड आइटन नियोस आपको डीजल और पेट्रोल दोनों ही फ्यूल ऑप्शंस में मिलती है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5.23 लाख रुपए से शुरू होकर 8.45 लाख रुपए तक की मिल जाती है। बात कर ले नंबर 9 बेस्ट सेलिंग कार की, तो वह है मारुति की तरफ से आने वाली इको, जिसकी की जून मंथ में 9,218 यूनिट बिकी है। मारुति को आपको सिर्फ पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शंस में मिलती है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 4.08 लाख रुपए से शुरू होकर 5.29 लाख रुपए तक की मिल जाती है। मारुति इको में ही नहीं बल्कि मारुति की किसी भी गाड़ी में आपको डीजल इंजन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। नंबर 8 पर जो बेस्ट सेलिंग कार है वह भी मारुति की तरफ से आने वाली अर्टिका है। अर्टिका की जून मंथ में 9,220 यूनिट बिकी है। अर्टिका आपको पेट्रोल और सीएनजी ऑप्शंस में मिलती है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7.81 लाख रुपए से रोकर 10.59 लाख रुपए तक की मिल जाती है। नंबर 7 पर हर महीने बेस्ट सेलिंग रहने वाली एसयूवी क्रेटा आई है। क्रेटा की जून मंथ में 9,920 यूनिट बिकी है। क्रेटा आपको दोनों ही फ्यूल इंजन ऑप्शंस में मिल जाती है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 9.99 लाख रुपए से शुरू होकर 17.70 लाख रुपए तक की मिल जाती है एक्स शोरूम प्राइस। बात करें नंबर 6 बेस्ट सेलिंग कार की, तो वह भी मारुति की तरफ से आने वाली अल्टो है। अल्टो की जून मंथ में 12,513 यूनिट बिकी है। मारुति अल्टो की नेक्स्ट जनरेशन इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकती है। मारुति अल्टो आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल इंजन ऑप्शंस में मिल जाती है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 2.99 लाख रुपए से शुरू होकर 4.60 लाख रुपए तक की मिल जाती है एक्स शोरूम प्राइस। नंबर 5 पर भी मारुति की तरफ से आने वाली डिजायर आई है, जिसकी की जून मंथ में 12,639 यूनिट बिकी है। मारुति डिजायर आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शंस में मिलती है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 5.97 लाख रुपए से शुरू होकर 9.02 लाख रुपए तक की मिल जाती है। बात कर ले नंबर 4 पर आने वाली बेस्ट सेलिंग कार की, तो वह भी मारुति की तरफ से आने वाली विटारा ब्रेजा है। विटारा ब्रेजा की जून मंथ में 12,833 यूनिट बिक पाई है। बात कर ले नंबर 3 पर आने वाली बेस्ट सेलिंग कार की, तो वह भी मारुति की तरफ से आने वाली बलेनो है। बलेनो की जून मंथ में 14,701 यूनिट बिक पाई है। मारुति बलेनो में पिछले 4 या 5 सालों से ना तो कोई फेसलिफ्ट ना ही नेक्स्ट जनरेशन आई है, फिर भी यह गाड़ी इतनी बिक जाती है जितना कि इसके कंपटीशन की कोई भी गाड़ी नहीं बिक पाती है। लोग इसे सिर्फ मारुति की ब्रांड वैल्यू ही देखकर खरीद लेते हैं। बात कर ले नंबर 2 पर आने वाली बेस्ट सेलिंग कार की, तो वह भी मारुति की तरफ से आने वाली स्विफ्ट है। स्विफ्ट की जून मंथ में 17,727 यूनिट बिकी है। मारुति स्विफ्ट हाल ही में पीछे बीते कुछ महीनों में लॉन्च हुई है और जब से यह लॉन्च हुई है बेस्ट सेलिंग हैचबैक बनी बैठी है। मारुति स्विफ्ट आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 4.80 लाख रुपए से शुरू होकर 6.32 लाख रुपए तक की मिल जाती है। बात कर ले एट द लास्ट नंबर 1 पर आने वाली बेस्ट सेलिंग कार की, तो वह है मारुति की तरफ से आने वाली वैगनार। वैगनार की जून मंथ में 19,447 यूनिट बिक पाई है। वैगनार का बेस्ट सेलिंग होने का रीजन यह भी हो सकता है कि पेट्रोल के प्राइस कुछ कुछ स्टेट में 102 या 103 रुपए के पार पहुंच चुका है। यही रीजन है कि लोगों ने ज्यादा सीएनजी और माइलेज को प्रेफर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं जून मंथ में बिकने वाली टॉप हैचबैक कार्स एसयूवी कार्स की वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।